कश्मीरी पाकिस्तान की हुकूमत से इस कदर नाराज़ हैं कि आज़ाद कश्मीर के लोगों ने कश्मीर में लगे हुए पाकिस्तान के झंडों को उतार कर फेंक दिया है। पाकिस्तान का झंडा उतार दिया गया कश्मीर की मयूर आवाम की जानिब से। आज़ाद कश्मीर के जिन जिन मकामात पर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था, कश्मीरियों ने उन झंडों को उतार दिया है। दुनिया में ऐसे नहीं होता जिस तरह पाकिस्तान की पुलिस अपने लोगों के साथ करती है। लगता है कि कश्मीर को आज़ाद कर देना चाहिए। अच्छा। हमसे 1971 के अंदर भी भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद करवा लिया था, हम कुछ नहीं कर सके ना। कि पाकिस्तान में जो आज़ाद कश्मीर है, पहले ही वहाँ पे लोग बड़े परेशान हैं, हालात खराब थे। पहले तो रेंजर्स और पुलिस भेजी गई, फिर काफी ज्यादा सुनने में आ रहा है कि 3 से 4 लोग जो हैं उनकी जानें चली गई। वहाँ पर जिस तरह से प्रोटेस्ट चल रहा है, जिस तरह से हंगामा है, जाहिर है उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। हम वैसे बहुत टाइम इग्नोर करते भी रहे हैं पाकिस्तान वाले आजाद कश्मीर को, लेकिन अब यह उतावा मुश्किल दिखाई दे रहा है। लेकिन वहाँ पे लोग जो है वो डेड बॉडीज लेके सड़कों पर आ गए हैं। डॉक्टर साहब, आप कैसे देखते हैं, कहीं हालात खराब तो नहीं होने वाले, ये कि कश्मीर हमारे कंट्रोल से बाहर ना हो जाए? आपको क्या नजर आ रहा है साहब? के जो है भारत का अंग है, इट इज पार्ट ऑफ इंडिया, इट वाज ऑलवेज पार्ट ऑफ इंडिया, इट विल बी पार्ट ऑफ इंडिया। और आपने बात की मकबूजा कश्मीर की, तो मैं आपको बताती चलूं जाऊं कि आर्टिकल 370 रिमूव होने के बाद मकबूजा कश्मीर के हालात बहुत ज्यादा बदल गए हैं। इंडिया सरकार वहाँ पे बहुत डेवलपमेंट कर रही है। कश्मीरी पाकिस्तान की हुकूमत से इस कदर नाराज हैं कि आज़ाद कश्मीर के लोगों ने कश्मीर में लगे हुए पाकिस्तान के झंडों को उतार कर फेंक दिया है। आज़ाद कश्मीर के जिन जिन मकामात पर पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ था, कश्मीरियों ने उन झंडों को उतार दिया है। एज अ पाकिस्तानी, कश्मीरियों का ये एक्ट मेरे लिए बड़ा काबिल तकलीफ है। इस सारे मामले पर पाकिस्तानी आवाम का क्या रद्द अमल है, आइए जानते हैं। अच्छा, इस वक्त आज़ाद कश्मीर के जो हालात हैं, मुसलसल वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उनके मुतालबात भी मान लिए गए हैं, बिजली सस्ती कर दी गई है, आटा सस्ता कर दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी एहतजाज ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहे। इस वक्त सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है कि आज़ाद कश्मीर से कश्मीरियों ने जितने पाकिस्तान के झंडे लगे हुए थे मुख्तलिफ मकामात पर, उन सबको उतार दिया गया है। क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? मुझे लगता है कि ये दुनिया की सबसे घटिया हरकत है। हमें ना अकलीती, और हमें इस्लाम ने जो है ना अकलीती लोगों के लिए भी ना उनके हकूक के तहफ़ के लिए हमें हुक्म दिया है कि हमने मजहबी इबादत गाहों को भी नहीं तोड़ना। जो हमसे अकलीती लोग हैं वो तो फिर हमारे मुसलमान भाई हैं, उनकी आज़ादी है, उनकी आज़ादी राय है, उनका मुल्क है, वो अपने मुल्क के लिए झंडा लगा सकते हैं कहीं भी। दूसरी बात जो है ना, ये हुक्मरानों के लिए एक बड़ा लम्हा फिक्री है कि हम हमेशा तब भी जागते हैं, तब भी अवाम के लिए कुछ करते हैं जब हम देखते हैं कि अवाम ने ना कुछ जाने दी हैं। हमें जाने लेने से के अलावा हमें तो हम जागते नहीं हैं, ना हम उनकी खिदमत करते हैं, ना उनके लिए कुछ करते हैं। और मुझे लगता है कि कश्मीर लोगों के हकूक का ना नजायज़ फायदा उठाया गया है, उनके हकूक सलब किए गए हैं, वहाँ ज़रूरत से ज़्यादा महंगाई की गई है, और उसमें पाकिस्तानी हुकूमत का भी बहुत हाथ है। पहले तो रेंजर्स और पुलिस भेजी गई, फिर काफ़ी ज़्यादा सुनने में आ रहा है कि 3 से 4 लोग जो हैं उनकी जानें चली गई हैं। हुकूमत ने पैकेज दे दिया है, लेकिन वहाँ पर लोग जो हैं वो डेड बॉडीज लेके सड़कों पर आ गए हैं। डॉक्टर साहब, आप कैसे देखते हैं, कहीं हालात खराब तो नहीं होने वाले, ये कि कश्मीर हमारे कंट्रोल से बाहर ना हो जाए? आपको क्या नजर आ रहा है साहब? चीमा साहब, आपने आज कश्मीर की बात की है, मैं मेरा उसके है तो ये मुनासिब तो नहीं लगता, लेकिन मेरा ये क्वेश्चन होगा कि क्या पाकिस्तान के हालात ठीक है? अगर कश्मीर के हालात खराब हैं तो पाकिस्तान के इन्फ्लेशन के हालात क्या है? अब दूसरा जो कश्मीर के हवाले से अगर जो मैं बात करना चाहूंगा, तो कश्मीरी जाहिर है वो आंखों से अंधे और कानों से बहरे नहीं है कि दूसरे कश्मीर जो जिसको आप कहते हैं मकबूजा कश्मीर, उसके हालात क्या है। वहां पे दुबई की अमार कंपनी आके माल ऑफ कश्मीर बना रही है, दुनिया का सबसे हाईएस्ट ब्रिज बन चुका है, हॉस्पिटल्स बन रहे हैं, क्योंकि उसकी वजह यह है कि आपके बॉर्डर के दूसरी तरफ तो दूध की नहरें हैं। इकॉनमी उनकी देखें 8.4% है, आपको मैं याद कराना चाहूंगा आपकी इकॉनमी 1.6% पे ग्रोथ है, तो वो आपका क्या ख्याल है, वो हमारे नहीं पड़ रहे वो दुनिया। मैंने आज से बड़ा अरसा पहले चीमा साहब आपके साथ ही इस चीज का मैंने खदशे का इजहार किया था कि ये जो कुछ दूसरे कश्मीर में हो रहा है, आप अपने कश्मीरियों को कंट्रोल किस तरह करेंगे, आप किस तरह कंट्रोल करेंगे जब कश्मीर से दूसरी तरफ जो हालात हो गए, आप क्या बताएंगे अपने कश्मीरियों को? लेकिन आपके पास तो आज पाकिस्तानियों को बताने के लिए भी कुछ नहीं है। अगर देखा जाए तो पूरा पाकिस्तानी कश्मीर है इस वक्त अगर देखा जाए। तो वो कह रहे हैं ना कि हमें पाकिस्तान की हुकूमत से निजात चाहिए, हमें पाकिस्तान की हुकूमत से आज़ादी चाहिए, हम जो है पाकिस्तान के अंदर नहीं आते, हम एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत हैं, हम आज़ाद कश्मीर हैं। मुझे लगता है कि इस कश्मीर को आज़ाद कर देना चाहिए। अच्छा। हमसे 1971 के अंदर भी भारत ने बांग्लादेश को आज़ाद करवा लिया था, हम कुछ नहीं कर सके ना। आज हमारे पास इतने रिसोर्स नहीं है कि हम इस
खत्ते को भी अच्छे तरीके से संभाल सकें, यहाँ तो हम अपने रिसोर्सेज को मैनेज कर सकें और कश्मीर के लोगों को हकूक दे सकें, अदरवाइज हमें उन्हें आज़ाद कर देना चाहिए। जिस तरह हम ये डिमांड करते हैं ना कि इंडिया कश्मीर को आज़ाद करे, मकबूजा कश्मीर को, फलस्तीन को, इसराइल आज़ाद करे, तो कश्मीर भी हमसे डिमांड करता है कि उन्हें आज़ादी चाहिए और उनका राइट है बुनियादी। अब आपको पता है वहाँ पे आज़ादी की तहरीक शुरू हो गई है, जिस तरह वहाँ से पाकिस्तान के झंडे उतारे जा रहे हैं, इसका और क्या मतलब है? लाइक हम कह रहे थे कि हमने मकबूजा कश्मीर में, जिसे हम कहते हैं इंडिया ऑक्यूपाइड कश्मीर, जम्मू कश्मीर, हमने वहाँ पर पाकिस्तान का झंडा लहराना है, उसको पाकिस्तान के साथ इलहाक करवाना है, और हमारे लिए बड़ी काबिल गौर और बड़ी अफसोसनाक बात है कि आज़ाद कश्मीर से आज पाकिस्तान के झंडे उतारे जा रहे हैं। उसकी सिर्फ एक ही वजह यह है कि हमारे हुक्मरानों का उन लोगों के साथ रवैया, हमने उन लोगों को कभी सक्का बेटा समझा ही नहीं है, उन्हें हमने हमेशा सौतेला समझा, हमने उनके हकूक के लिए कभी कुछ नहीं किया, और मेरे ख्याल से वो अब राइट पे हैं, उन्हें अब आज़ादी चाहिए और उन्हें आज़ाद कर देना चाहिए। वो लोग पाकिस्तान के बनने से पहले भी कैद सोबंद की पाबंदियों में थे, आज भी वो बेचारे एक तरह के कैदी हैं, तो उनके हकूक पे माल हो रहे हैं, उनको आज़ाद कर देना चाहिए। और जो उनके अंदर नफरत है ना हमारे झंडे उतारना, ठीक है वो उसको अब इस तरीके से आज़ादी राही करते हैं, और ये उन लोगों को हमने मजबूर किया है कि वो यहाँ तक आ पहुँचे हैं, वरना वो हमेशा से पाकिस्तान के साथ रहने के लिए तैयार थे, लेकिन पाकिस्तानी ने उनके साथ नाइंसाफ़ी की है, उनका हक मारा है। अब आप देखें ना वो जिस वजह से वो इशू उठा ना, वो वहाँ पर महंगाई की वजह से एक स्ट्राइक हुई, आपने एक चीज़ नोट की होगी, 3000 रुपये गंदम जो है ना वो मन मिलती आटा, और आपको पता है जब आप यहाँ एक पिज़्ज़ा खाने जाते हैं ना लार्ज, वो भी 3000 का मिलता है, तो कितनी बड़ी एक ज्यादती है उन गरीब किसानों के साथ जो बेचारे इतनी मेहनत करके उस गंदम को पहले उगाते हैं, बाद में उस गंदम को आवाम तक भी महंगे दामों में बेचा जाता है, और जो ताजर बरादरान है, जो हुकूमत है, वो अपनी मर्जी के फ़ायदा ले लेती है, जिससे उन लोगों के हकूक सलब होते हैं, उनके बच्चों को रोटी नहीं मिलती खाने के लिए, वो बुनियादी ज़रूरतों से महरूम है। तो मेरे ख्याल से उनके हकूक का ना अब ख्याल रख लेना चाहिए, और पाकिस्तान को अब सोच लेना चाहिए कि वो हमारे मुसलमान भाई हैं। आपको लगता है कितनी आसानी से पाकिस्तान की सरकार आजाद कश्मीर को आजाद कर देगी? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान की सरकार आजाद है? जिस प्राइम मिनिस्टर को जहाज में बैठे ये ना पता हो कि जहाज ने इस्लामाबाद लैंड करना है, लाहौर लैंड करना है, कराची लैंड करना है, अमृतसर लैंड करना है, उसको पता ही नहीं। फिर उस जो पिछला आपका केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है वो कहता है बस $1 करोड़ के लिए मुझसे लड़ रहे हो आप, कहता है ये गंदम का स्कैंडल जो है ये तो चाय की प्याली में तूफान है, कहता बस $1 बिलियन बस। वो काकर साहब अगर आपके पास जेब में $1 बिलियन चौके मुंह से मारो तो क्या चौको डल लग रही दोबारा मेरे कैसे लोगों चीमा साहब जालम लोग हो आप चीमा साहब वो कश्मीर के अंदर। अच्छा फिर दूसरी बात कहते नहीं 23 अरब रुपए का वहां पे पैकेज दे दिया गया कश्मीर को, वो जो 23 अरब रुपया कहां से आएगा 23 रुपया 23 अरब रुपया आपने जो कहा बिजली और रोटी सस्ती कर दी जाए 2 हफ्ते के लिए, क्योंकि सस्टेनेबल तो नहीं ये चीजें, किस तरह कंट्रोल करें? किसी माई के लाल ने आज तक उस 25 करोड़ लोगों में से आपके ग्रास रूट इश्यूज को डिस्कस किया है, लॉ एंड ऑर्डर को डिस्कस किया है, अदालतों की परफॉर्मेंस डिस्कस